बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में जोश और जुनून बढ़ता हुआ इसी कड़ी में आज नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत उत्तरी भाग संख्या 4 से प्रत्याशी जुली देवी उर्फ जोली मुकुट ने गांव गांव घूमकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान प्रत्याशी जनता के बीच जा जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कहिए, लोगों का हमारे प्रति पागलपन है जी। और लोगों में एक ही नाम आ रहा है और वो नाम है सत्येंद्र मुकुट का नाम। अभी हमने पिछले बार भी इन लोगों ने इतने हमें मत दिए, इतना वोट दिए कि हमको 12 वोट से चुनाव हराया गया, जो कि हमसे 176 वोट से चुनाव जीत गए थे। मगर हमारा कुछ सरकारी यंत्रों के द्वारा हमें गरीब गुरबा को हमारे आवाज़ को पिछले बार ही दबाया गया था और हमें 12 वोट से पराजित किया गया था। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो हमें लगता है कि कोई हमारे टक्कर में ही नहीं है और नालंदा जिला में हमारे कार्यकर्ता और समर्थक ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहाँ कुछ लड़ रहे हैं, हम तो खाली बस कुल के प्रणाम पाती कर रहे हैं। और इनमें जो उमंग है, लग रहा है कि नालंदा जिला में सबसे टॉप और जिला में नाम सबसे जिला परिषद भावी और भारी हम ही जीत के आवेंगे 3400 जिला परिषद में। पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास नहीं, हम जीत गए हैं, खाली अब हम नॉमिनेशन का बाकी है और नॉमिनेशन दे देंगे, सिंबल दे देंगे, हम लोग को पहुंचा दिए कि जिला परिषद कैसे करना काम। यहाँ के जनता का जितना मेरे प्रति प्यार है और स्नेह है, क्योंकि मैं ज़मीन पर रहा हूँ और ज़मीन पर ही काम किया हूँ और ज़मीन के लोग जानते हैं कि कैसा नेता चुनना चाहिए। हम अभी भी अपील करता हूँ अपने जनता से कि जब तक नेता वही हो सकता जिसकी नीति और निहत और सिद्धांत तीनों होना चाहिए और उसमें हमारे पास आप लोग गार्जियन अभिभावक से हमने सीखा है कि विकास कैसे हो। जब तक ग्राम का विकास नहीं होगा, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रखंड का विकास नहीं होगा। प्रखंड क्या जिला का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा। जब गांव, प्रखंड, जिला, राज्य नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि जो भी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि करते हैं, वो गांव की ओर चलें और गांव के विकास की बात करें। मुकुट पासवान जी हैं, वो सबसे हट कर करके अच्छा काम कर रहे हैं और आगे तक के करेंगे और भी ऐसा कर रहे हैं कि जो जनता के बीच में परिश्रम से, मान से, सम्मान से इनका लगता है कि 2021 के चुनाव इनका है जो कि सफल होगा और बढ़िया और भारी मत से जीत पाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। जिला परिषद के लिए तो जब जो विकास करने के लिए जो मुद्दा रखे हैं उसी पर उनके मतलब वोट मिलेगा और जो अभी सत्येंद्र बाबू जो आए हैं मुकुट जी, इनके वोट पड़ेगा बढ़िया। अभी तो लग रहा है कि इस पर जो विकास होगा वो सही ढंग से होगा। सही ढंग से होगा। आप सभी धार्मिक सैलानियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी पर्यटक सेवा संस्थान की ओर से श्री चार धाम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार शरीफ से पटना, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, हर की पौड़ी होते हुए सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा के लिए 17 अक्टूबर को बिहार शरीफ से प्रस्थान किया जाएगा। बुकिंग चालू है। इच्छुक धर्मार्थी संपर्क। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.